अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल उस्बा व्लॉग्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो है काठिया वाले छोले। और ये बहुत शौक से खाए जाते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि घर में इसकी रेसिपी बना के क्यों ना ट्राई की जाए और आप लोग को भी सिखाई जाए। तो मैंने जो है वो एक पतीली में, मैं प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई और पतीली भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऑयल लिया था एक बड़ा चम्मच, इसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ये चाट मसाला ऐड किया है। और अब मैं इस मसाले को जो है ना पकाऊंगी ऑयल में। तो मैंने इसमें ऑलरेडी पहले ही चने जो हैं वो रात से भिगोए हुए थे, तो मैंने इसमें बॉयल करके चने अलग से रख लिए थे। तो अब मैं इसी में ही जो है वो अपना मसाला बना रही हूँ। देखिए मसाला जो है वो मैंने भून लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से भून रही हूँ। और ये देखिए मैंने इमली जो है वो आधे घंटे पहले ही भिगो के रखी हुई थी, तो ये मैंने इमली भी इसमें डाल दी है और मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी। ये देखिए इमली पकाकर और जो मैंने चने बॉईल किए हुए थे और जो चने का पानी था वो मैंने सब एक साथ ही जो है वो इसमें डाल दिए। और ये अम्मी ने जो घर का मसाला बनाया हुआ था वो मैंने ऐड किया और इसे अच्छे तरीके से मैं पका रही हूँ। अब थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। आप अपने मुताबिक ले लीजिएगा कॉर्नफ्लोर कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए कॉर्नफ्लोर की, कितने आपको थिक चाहिए चने, तो मैं अपने मुताबिक डाल रही हूँ। और डालने के एकदम फौरन बाद ही गाढ़े नहीं होते, थोड़ा सा आपको पकाना होता है। ये देखें थोड़ा सा मैंने पकाया है और अब ये गाढ़े हो चुके हैं। तो अब मेरे चने जो है वो रेडी हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ प्लेट में। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और मैंने इसकी गार्निशिंग की है चिप्स से, प्याज हैं और धनिया। और ये देखें आपने देखा कितनी क्विक एंड ईजी रेसिपी थी, 5 मिनट में तैयार हो गए। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।